और अभी आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब 3,70,552 हो गई है। मुतासर अफराद की तादाद 63,70,499 तक जा पहुंची है। अमरीका में मजीद 730 अफराद हलाक हुए। वायरस से हलाकतों की तादाद अब 1,06,955 हो गई है। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहां अब तक 1,06,925 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 18,59,323 हो चुकी है। 6,15,416 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब भी हो चुके हैं। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की तादाद 5,29,405 हो गई है, जबकि ये वायरस 30,046 जिंदगियां निगल चुका है। बरतानिया में वायरस से अमवात की तादाद अब 39,045 हो गई है, जबकि केसेस की तादाद अब 2,76,332 हो गई है। इटली में वायरस की वबा से मजमुई अमवात 33,475 हो चुकी हैं, जबकि फ्रांस में मजमुई हलाकतें 28,833 हो गई हैं। स्पेन में वायरस से अमवात 27,127 हो गई हैं, जबकि जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद अब 8,618 हो गई है, जबकि वायरस के केसेस 1,83,765 हो चुके हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 4,855 हो गई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद अब 4,14,878 हो चुकी है। भारत में वायरस से 5,608 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीज 1,98,706 हो चुके हैं। तुर्की में जान बाँचने वालों की तादाद अब 4,563 हो चुकी है, जबकि ईरान में वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 7,878 हो चुकी है। सऊदी अरब में वायरस से अब तक कुल अमवात 525 हो चुकी हैं, जबकि इससे मरीजों की मजमू तादाद 87,142 हो चुकी है।